दैनिक भास्कर ने एक बहुत बड़ा सर्वे पूरे राजस्थान में किया है, जिसमें 33 जिलों के कम से कम 17,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है। दैनिक भास्कर ने 3 सवाल तमाम लोगों से, तमाम स्टूडेंट से पूछे, क्या उन्होंने जवाब दिया, क्या सवाल थे, इस वीडियो में इस पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वे में बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, और वो खुलासे क्या क्या हैं मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। दैनिक भास्कर ने अपने सर्वे में पहला सवाल पूछा कि भर्तियों पर कार्य प्रणाली से क्या आप लोग संतुष्ट हैं, जिसमें से 13% लोगों ने सरकार के काम पर संतोष जाहिर किया। यानी 17,000 लोगों में से 13% लोगों ने संतोष जाहिर किया कि भर्ती प्रणाली से हमें खुश हैं, जबकि 17,000 लोगों में से 87% लोग इस भर्ती प्रक्रिया के कार्य प्रणाली से बिल्कुल असंतुष्ट नजर आए। तो देख सकते हो कि आज इसका अनुपात कितना ज्यादा अनुपात है असंतुष्ट का। तो लोग, बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, विद्यार्थी बहुत ज्यादा नाराज हैं इस प्रक्रिया को लेकर। इसमें काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या था और लोगों ने क्या राय दी। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 2, क्या रीट में नकल हुई थी, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 ये था, जिसमें 17% लोगों ने माना कि परीक्षा में नकल नहीं हुई थी, इसे रद्द नहीं करना चाहिए, जबकि 83% यानी 83% लोगों ने हाँ कहा। लोगों के अनुसार इस परीक्षा में नकल हुई थी और इसे रद्द करना चाहिए। तो कितना बड़ा अनुपात है वो हाँ कहने वालों का है, यानी 83% लोगों का मानना है कि इस भर्ती में, रीट की परीक्षा में नकल हुई थी और इसको रद्द करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में कितना बड़ा असंतोष है। तो उम्मीद करता हूं सरकार भी इस असंतोष को देखेगी और विद्यार्थियों के जो भले के लिए जो सही कदम होगा वो सरकार उठाएगी। हालांकि सरकार है वो फिलहाल बहुत सही काम कर रही है, जहां से सही दिशा में चल रही है, SOG बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो दूसरा सवाल ये था दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में क्या पूछा गया था, 17,000 लोगों ने क्या राय दी, उनमें से कितने परसेंट लोगों ने क्या कहा और कितने परसेंट लोगों ने हाँ या ना में उत्तर दिया। तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या था विद्यार्थियों। सवाल नंबर 3 था कि रीट में नकल के लिए मंत्री नेता ज्यादा जिम्मेदार हैं या फिर अफसर। ये सवाल था, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि रीट के जो एग्जाम में नकल के लिए मंत्री नेता ज्यादा जिम्मेदार हैं या फिर अफसर। तो इसमें 82.3% लोगों ने मंत्री व नेताओं को ज्यादा जिम्मेदार माना और 17.7% लोगों ने अफसरों को ज्यादा जिम्मेदार बताया। इससे पता चलता है कि विद्यार्थियों में काफी ज्यादा रोष है और वो इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत ज्यादा सही नहीं मान रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सुधार चाहते हैं और इस रीट की जो एग्जाम हुआ था 2021 का उसको रद्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मेहनत का इस रिजल्ट में कुछ नहीं बंटने वाला है, इसमें चीटिंग करने वाले हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे और हमें पीछे रह जाएंगे। तो आगे क्या सवाल था, लोगों ने अपनी क्या राय रखी, क्या क्या सुझाव दिए, वो सुझाव देख लेते हैं। इन 17,000 लोगों से नकल रोकने के सुझाव भी पूछे गए। तो इन्होंने पहला सुझाव ये दिया कि दोषी अफसर नेताओं की संपत्ति जब्त हो, जिम्मेदार अफसरों, मंत्रियों या नेताओं की संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, गिरोह से जुड़े लोगों पर सरकारी नौकरी को लेकर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया कि नकल विरोधी अध्यादेश लागू हो। काफी लोगों ने यह सुझाव दिया कि प्रदेश में नकल विरोधी अध्यादेश लागू होना चाहिए, दोषियों को उम्र कैद का प्रावधान हो। तीसरा सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कार्रवाई हो, यूपी की तर्ज पर कार्रवाई हो। यूपी स्टेट पेपर में आउट होने के बाद योगी सरकार ने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट व रासुका लगाया था, घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश भी दिया था। चौथा सुझाव दिया था कि परीक्षा आयोग का गठन हो। कई लोगों ने यह सुझाव दिया कि सरकारी भर्तियों की परीक्षा कराने के लिए आयोग का गठन हो, उसे सिर्फ यही जिम्मेदारी दी जाए, बाकी कोई काम अलग से न दिया जाए। तो ये सुझाव थे। प्रदेश के 16 लाख अभ्यर्थी रीट 2021 में बैठे थे। ऐसे में भास्कर ने पेपर लीक को लेकर प्रदेश भर में पाठकों के बीच सर्वे करवाया, जिसमें 33 जिलों से 17,009 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 14,118 यानी 83% ने रीट रद्द करने की राय दी थी और 14,805 यानी 87% लोगों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया था। तो ये है भास्कर सर्वे का संपूर्ण सार, जिसमें 83% लोगों बोले कि रीट रद्द हो और भर्तियों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली से 87% लोग असंतुष्ट नजर आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, सभी विद्यार्थियों की तरफ से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस भर्ती प्रक्रिया को, जो पहले रीट की 2021 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसको रद्द करके 50,000 भर्तियाँ एक साथ करवाई जाएं, जो मई में होने वाले उस एग्जाम में एक साथ करवाया जाए। जब SOG ने मान लिया है कि भी भर्ती में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी, तो अब जल्द से जल्द इस भर्ती को रद्द करके, सभी विद्यार्थियों की यही मांग है कि इसको मई में 50,000 भर्तियों को एक साथ करवाया जाए, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन आवेदन चल रहे उसमें भी
बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं कि भर्ती रद्द होगी या होगी। अभी आवेदन भी ऑनलाइन बहुत कम हो गए हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। 32,000 पदों की भर्ती के लिए 9 फरवरी तक आवेदन होने, तो उन आवेदकों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है, क्योंकि रीट में चीट के नए नए खुलासों से भर्ती के आवेदनों पर 4 दिन से ब्रेकडाउन लग गया है। तो ये थी दोस्तों सर्वे की बात। आप लोग इस भर्ती के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी जो भी सवाल जवाब हैं, जो भी आपका उत्तर है, जो भी आपकी सोच है, वो हम चैनल के द्वारा सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के हित में सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला ले, ताकि असमंजस की स्थिति जल्द से जल्द खत्म